राजस्थान में बढ़ती कोरोना पॉजिटिवों की संख्या चिंता का विषय बनती जा रही है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 2524 हो गई है। राजस्थान के 29 जिलों में अब तक कोरोना के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। प्रदेश में आज 86 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक जोधपुर में 59, जयपुर में 14, अजमेर में 4, चित्तौड़गढ़ में 3, टोंक में 2, कोटा में 1, बारां में पहली बार एक कोरोना पॉजिटिव सामने आया है, तो वहीं धौलपुर और अलवर में भी एक एक कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। जयपुर में कोरोना से आज 2 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 892 हो गई है, तो वहीं जोधपुर में 472, कोटा में 193, अजमेर में 150, टोंक में 134, नागौर में 118, भरतपुर में 111, बांसवाड़ा में 64, झुंझुनू में 42, झालावाड़ में 40, बीकानेर में 37, भीलवाड़ा में 37, जैसलमेर में 35, दौसा में 21, चित्तौड़गढ़ में 19, चूरू में 14, धौलपुर में 12, पाली में 12, हनुमानगढ़ में 11, अलवर और सवाईमाधोपुर तथा उदयपुर में 8-8 पॉजिटिव हो चुके हैं, तो वहीं सीकर और डूंगरपुर में 6-6 पॉजिटिव हैं। वहीं करौली में 3 तथा बाड़मेर और प्रतापगढ़ में 2-2 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। वहीं राजसमंद और बारां में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 57 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 827 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ हो चुके हैं, इनमें से 592 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। प्रदेश में 1640 कोरोना के एक्टिव केस फिलहाल मौजूद हैं। चार जिले पहले ही संक्रमण मुक्त थे, इस तरह से राजस्थान में कुल 7 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी संक्रमण का एक भी मरीज नहीं है, और 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, और बाकी 19 जिले हैं जहां इक्के-दुक्के केसेस आज भी पॉजिटिव केसेस के रूप में है, लेकिन वो रिकवरी फेज में है। खुशी की बात यह है कि 827 लोगों को पॉजिटिव से हमने नेगेटिव भी किया है और करीब 600 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है, और जो लोग 1000 से ज्यादा लोग वार्डों में भर्ती है अलग अलग अस्पतालों के अंदर, और जो सामान्य अस्पताल में भर्ती हैं 4800 के करीब लोग, वो सब अंडर कंट्रोल सिचुएशन में है। आईसीयू में सिर्फ 9 लोग हैं, उनमें से भी 2 लोग वेंटिलेटर पे हैं। तो राजस्थान में जिस तरह हमने टेस्ट करने की क्षमता को बढ़ाया है, कल तक जो हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी वो 8800 टेस्ट पर डे करने की रही, जो आज और कल में करीब 10000 के ऊपर चली जाएगी। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 57 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर प्रदेश में 2524 हो गई है। लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। 827 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जोधपुर से हमारे संवाददाता सत्येंद्र राजपुरोहित ऑनलाइन पर मौजूद है। जी सत्येंद्र, क्या कुछ अपडेट है? जोधपुर में बड़ा आंकड़ा सामने आया है, आज सुबह 9 बजे की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा पॉजिटिव जोधपुर के निकले हैं। जी निश्चित तौर पर, आज से यदि जोधपुर शहर की बात है तो लगातार जो ये पिछले 24 घंटे निकले हैं वो जोधपुर के लिए बहुत भारी बीते हुए नजर आए हैं। यदि बात करें तो कल सुबह की तो करीब 2 मामले सुबह एसएन मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में सामने आए थे, लेकिन जब रात को अचानक से एम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट आती है और उसके अंदर करीब 51 मरीज जो है जोधपुर के पॉजिटिव आते हैं, उससे पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। वहीं सबसे बड़ी बात इसमें यह निकलकर आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अब जोधपुर के कोरोना ने दस्तक दे दी है। जी, सबसे बड़ी बात जो जोधपुर का लूणी क्षेत्र है वहां पर 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोग भी सहमे हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी दशक दे दी है। वहीं यदि आज की बात करें तो आज देखें तो एम्स के अंदर 24 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए, और एसएन मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट है उसके अंदर करीब जो 9 मामले कोरोना के सामने आए हैं उसी को लेकर देखें तो करीब जोधपुर में अभी तक का जो आंकड़ा है वो 32 मामले आज एक ही दिन के अंदर सामने आ चुके हैं, कल 64 मामले आ चुके हैं, इसी तरह 2 दिन के अंदर करीब 96 मामले जोधपुर के अंदर सामने आ चुके हैं, और जोधपुर का आंकड़ा 496 पहुंच चुका है। जी आशीष,
ईरान से लाए हुए लोगों को भी जोधपुर में रखा गया है जो बड़ी संख्या में पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या उन लोगों में से हैं या फिर लोकल जोधपुर के रहने वाले लोग हैं वो पॉजिटिव निकल करके आ रहे हैं? जी आशीष, बिल्कुल, यदि देखें तो जो ईरान से जो लाए गए थे उनमें से जो 61 लोग कोरोना के पॉजिटिव थे और उनमें से लगभग सभी लोग ठीक हो गए थे। कल जो एम्स के अंदर रिपोर्ट आई थी उसके अंदर एक जो भारतीय महिला है वो ईरानी जो यहाँ एयरलिफ्टेड की थी वो कोरोना से पॉजिटिव आए थे, उसका टेस्ट भी रिपीट हुआ था, वो पहले से पॉजिटिव थे, उसका इलाज चल रहा था और उसका जो था वो टेस्ट रिपीट हुआ है। जो ईरानी यहाँ एयरलिफ्टेड किए गए थे, सबसे बड़ी बात जोधपुर के अंदर से उनको विमानों के द्वारा चाहे जैसलमेर हो चाहे जोधपुर हो उनको अपने वापिस गृह जिलों की ओर रवाना कर दिया गया था। जो ईरानी थे वो मात्र 6% थे, ये बहुत अच्छी खबर थी कि मात्र 6% ईरानी थे जो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव आए थे, वो भी लगातार स्वस्थ होते गए और अभी करीब 9 के करीब ईरानी जिनका जोधपुर में इलाज चल रहा है उनको भी अगले महीने अपने घर भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल सत्येंद्र, बताना चाहूंगा जोधपुर के लिए लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। जोधपुर का फिगर 2 बजे की रिपोर्ट आई है, अभी 9 बजे की रिपोर्ट और 2 बजे की रिपोर्ट आई है, कुल मिलाकर के 83 मामले जोधपुर के सामने आ चुके हैं। जी आशीष, बिल्कुल, यदि बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं ये भी है कि जो डिपार्टमेंटली है वो फेल रहता है। रिपोर्टें जो एम्स की सुबह 8 बजे आनी चाहिए वो करीब 12 बजे आ रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का भी डिफरेंस आ रहा है कि जो जयपुर से रिपोर्ट जारी हो रही है और स्थानीय जयपुर की रिपोर्ट हो रही है उसके अंदर आंकड़ों में फर्क आ रहा है। जोधपुर के जो स्थानीय आंकड़े वो पहले आ रहे हैं और जो रिपोर्ट बाद में आ रही है। चलिए सत्येंद्र, अभी तक देखें। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे जोधपुर संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित, जिन्होंने अपडेट दी जोधपुर को लेकर किस प्रकार से वहां पर ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना पांव पसारता जा रहा है। बड़ी खबर, राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 2556 हो गई है। राजस्थान के 29 जिलों में अब तक कोरोना के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, 29 जिलों तक कोरोना ने पांव पसार दिए हैं। दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट आ चुकी है, 118 कोरोना पॉजिटिव आज दिन भर में सामने आए हैं। जोधपुर में 83, जयपुर में 21, अजमेर में 4 मामले सामने आए हैं, चित्तौड़ में 3, टोंक में 2, कोटा में 2 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। 12 में पहली बार कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। धौलपुर और अलवर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। अब तक सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव राजधानी जयपुर में आए हैं, जयपुर में अब कुल कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 899 हो गई है। जोधपुर में 496, कोटा में 194, अजमेर में 150, टोंक में 134, नागौर में 118, भरतपुर में 111, बांसवाड़ा में 64, झुंझुनू में 42 पॉजिटिव आ चुके हैं, झालावाड़ में 40, बीकानेर में और भीलवाड़ा में 37 मरीज आ चुके हैं, जैसलमेर में 35, दौसा में 21, चित्तौड़ में 19 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, चूरू में 14, धौलपुर पाली में 12 पॉजिटिव आए हैं, हनुमानगढ़ में 11, अलवर सवाई माधोपुर और उदयपुर में सभी में 8-8 पॉजिटिव आ चुके हैं, सीकर और डूंगरपुर में 6-6 मामले हैं, तो वहीं करौली में 3 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। तो अजमेर से हमारे संवाददाता नितिन मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नितिन, लगातार अजमेर में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सामने सामने आया है, उसमें रात पड़ी था, ये है कि इसमें 19 जने रिटेल हुए हैं। जी, जिसमें चिंता का विषय तो कम नजर आ रहा है और कंटिन्यू इनका सेट भी बहुत अच्छी चीज आ रही है, जिसमें 5 तो जयपुर में रिटेल हुए थे जो सबसे पहले अजमेर में पाए गए थे, उनका रिटेल हो चुके हैं और उसके अलावा 19 जने और रिटेल हुए हैं। जी जी आशीष, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है अजमेर में लगातार जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसके लिए, उनके संपर्क में आने वाले लोगों के लिए क्या क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था की गई है और जो सैंपल लेने की प्रक्रिया है उसको क्या गति दी गई है? सैंपल वैसे तो धीमे चल रहे हैं, उनकी प्रक्रिया में तो धीमे चल रही है, वैसे अभी सैंपल जब पूरे मामले सामने नहीं आए अभी तक और जांच कंटिन्यू चल रही है, सीन की जा रही है। पूरे मोहल्ले तो जब से बड़ा हॉटस्पॉट बना था मुस्लिम मोची मोहल्ला जी, पूरा सीट दिया गया है अभी। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे अजमेर संवाददाता नितिन मेहरा, जिन्होंने अपडेट दी अजमेर को लेकर, अजमेर में रिकवर हो रहे हैं मरीज, साथ ही प्रशासन भी अलर्ट है, लेकिन सैंपल लेने की गति अभी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आपको एक बार फिर बता दें, राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिवों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, प्रदेश के 29 जिलों तक कोरोना का दायरा बढ़ चुका है।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कोटा से हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? कोटा में 194 मामले हो चुके हैं। निश्चित तौर पर जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है वो कोटा में लगातार बढ़ रहा है और लगातार ही कोरोना के जो संक्रमित मरीज है वो सामने आ रहे हैं। आज सुबह दो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जिसमें से एक कोटा और एक बारा का निवासी था, और अभी 2 बजे की लिस्ट में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज और सामने आए, जिसमें से एक कोटा के हैं और एक सुकेत के हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कोटा में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें राहत की बात आशीष मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, वो लगातार ही जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनके इलाज कर रहे हैं, तो एक बड़ी सफलता भी लगातार मिल रही है। अभी तक की जानकारी में आया है कि 95 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनकी दोबारा जांच होने के बाद वो नेगेटिव आए हैं और कुछ लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। लेकिन एक तरफ जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं, जहां पर कोई संभावना नहीं बन सकती थी कोरोना का पैर पसारने की, लेकिन वहां तक कोरोना पॉजिटिव के मरीज सामने आ रहे हैं, तो एक जिला प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चुनौती जरूर बनी हुई है, और जिसका सामना लगातार ही आम जनता की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और आम जनता अब आगे बढ़ के अपनी स्क्रीनिंग कराने के लिए आगे आ रही है, अपनी सैंपलिंग सैंपल के लिए सैंपल दे रहे हैं, जांच कराने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि लोग आगे चल करके निकल करके आ रहे हैं ताकि ये कोरोना संक्रमित हम ना हो जाए, इसलिए वो अपने परिवार को बचाने के लिए, आसपास के लोगों को बचाने के लिए और स्वयं स्वयं खुद को बचाने के लिए, इसलिए वो लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी जाइए और सैंपल दीजिए, ताकि जो डर बैठा हुआ है कोरोना संक्रमित का वो कहीं ना कहीं बाहर निकल सके। जी आशीष जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि वहां से लोग स्वेच्छा से बाहर निकल करके आ रहे हैं और सैंपल देने में जुट रहे हैं। साथ ही जानना चाहेंगे, 200 के करीब आपके वहां पर पॉजिटिव केस का आंकड़ा पहुंच रहा है, तो ऐसे में कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं उनमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही दोहरी चुनौती है, मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो चुका है, कई सारे उद्योग धंधे उनको छूट मिल चुकी है, तो ऐसे में किस प्रकार का माहौल कोटा में बना हुआ है? राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अलवर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी चंद्रशेखर, किस प्रकार के हालात हैं अलवर में? जी बताना चाहूंगा कि 19 दिनों के बाद आज बानसूर में एक कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट का मामला सामने आया है जी। और कोरोना का ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है, और जो कराना गांव जहां पर ये श्रमिक मिला है जो कि बाड़ी का काम करता था, और पिछले दिनों इसकी रिपोर्ट भेजी गई थी जो आज पॉजिटिव आई है, उसके बाद से ही उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है, और उसकी हिस्ट्री का पता किया जा रहा है कि किन किन लोगों से वो मिला और किस किस, क्योंकि बाड़ी का काम करता था, किसानों के संपर्क में था, उन सबकी प्रशासन सूची बना रहा है और चिकित्सा विभाग की ओर से उस गांव में सर्वे किया जा रहा है। आशीष जी, उसके अलावा अलवर पूरे जिले में जितने भी पॉजिटिव है, क्या उन इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, और कर्फ्यू लगाया है तो किस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है? देखिए बताना चाहूंगा कि किशनगढ़ क्षेत्र में और कठुमर क्षेत्र में कर्फ्यू की स्थिति थी, लेकिन 19 दिन तक लगातार कोई पॉजिटिव केस नहीं आने के कारण और सर्वे के बाद सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कर्फ्यू तो हटा दिया गया है, लेकिन जो 7 केस पॉजिटिव आए थे उनमें से भी 5 लोग ठीक हो चुके हैं। एक आज पॉजिटिव आया है, तो 8 आपके अलवर में कुल संख्या 8 हो गई है। एक्टिव केस जो है उनमें से जो 5 लोग हैं उनको रिकवर कर लिया गया है, 8 पॉजिटिव में से 5 को रिकवर किया जा चुका है, 1 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। जी रिकवर कर हो गए हैं और उनको अपने घर भेज दिए गए हैं। आशीष जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे अलवर संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा, जिन्होंने अपडेट दी अलवर को लेकर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है, किस प्रकार से वहां पर पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन महकमा अलर्ट हो रहा है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए टोंक से हमारे संवाददाता फिरोज उस्मानी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी फिरोज, लगातार टोंक से पॉजिटिव सामने आते जा रहे हैं। आशीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 134 संक्रमित के मामले टोंक में अब तक आ चुके हैं,
और अकेले बमोर जो गेट है हॉटस्पॉट जो बना हुआ है वहाँ 99 मामले अब तक निकल चुके हैं। मगर राहत की बात यह है कि सादात अस्पताल में जो भर्ती 70 में से 29 मरीज जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आए, वहीं 41 मरीजों में से 23 लोगों की एक नमूनों की रिपोर्ट फिर दोबारा से नेगेटिव आई है। जबकि पूर्व में टोंक के 19 जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव होकर उनके डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसमें से 18 जने टोंक के एक टोडा राइसिंग था जी। ऐसे में बमोर गेट समीप धन्ना तलाई नौशीमिया का पुल रजवन कुमारों की चौकी क्षेत्र में एक भी जना अब क्वारंटाइन सेंटरों में नहीं है जी। और अब तक 2968 व्यक्तियों के सैंपल लिए जा चुके हैं, इनमें से 132 पॉजिटिव हैं, 134 दो अभी 2 बजे की रिपोर्ट में 91 पॉजिटिव आ चुके हैं, 134 आपके कुल मामले हो चुके हैं जी। 134 मामले हो चुके हैं अब तक टोंक में जी जी। वो 189 व्यक्ति को क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया, होम आइसोलेशन में रखे गए कुल 33,613 में से वर्तमान में 7,375 लोग होम आइसोलेशन में है, वही 26,238 की जो 14 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है जी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे टोंक से संवाददाता फिरोज उस्मानी, जिन्होंने टोंक को लेकर के लेटेस्ट अपडेट हमारे साथ साझा की।